हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं व्हाई आर यू मैरी मी फैन फिक्शन के पार्ट 7। हमने कल के एपिसोड में सुना था कि लांझन ने वेनिंग को पनिशमेंट दिया था, जिसके वजह से जान बहुत गुस्सा था। आगे की स्टोरी। मैं अभी महल जाऊंगा उस इडियट के साथ डील करने। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसे हर्ट करने की, जान कहता है। वेनिंग कहता है, नहीं मास्टर, आप मत जाइए, आपको पहले फोबिया है, आप मत जाइए। जान वेनिंग की बात नहीं सुनता। वेनिंग को कॉटेज में रहने के लिए कहकर वो निकल जाता है पैलेस की तरफ। जान जब पैलेस के पास पहुंचता है तो बाहर गार्ड्स में खड़े हुए थे। जान उन लोगों को केयर न करते हुए, उन्हें इग्नोर करते हुए अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर गार्ड उन्हें जाने नहीं देते क्योंकि उसे परमिशन नहीं होता। एक गार्ड कहता है, मैडम आप बिना पास के अंदर नहीं जा सकते। जान कहता है, तुम मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो बाद में इस बात का तुम रिग्रेट करोगे। ये बात कहकर जान खुद को कंग्रेचुलेशन कर कहता है, वाह मेरे पास इतनी कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। मगर गार्ड जान की कोई बात नहीं सुनते, उसे इग्नोर करते हैं, जैसे वो वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लांझन बाहर आओ इडियट, आज तुम्हें मैं मार दूंगा, जान चिल्लाता हुए कहता है और गार्ड के साथ स्ट्रगल करता है क्योंकि जान अंदर जाने की कोशिश करता है। गार्ड उसे पकड़ कर रखे हुए अंदर जाने नहीं देते। आज जान ने प्रॉमिस किया है, जान लांझन को बिना देखे वो यहाँ से नहीं जाएगा। ताबाजुन बाहर आता है, वो एक्चुअली सरप्राइज है साइजन की आज की ऐसी बिहेवियर देखकर। एक्चुअली वो कभी साइजन की एक गुस्से वाली साइड कभी देखा ही नहीं था। आज वो एक छोटा सा विलेन की तरह दिखाई दे रहा है। वो ताबाजुन गार्ड्स और साइजन जहाँ खड़े हुए थे वहाँ पर आता है। साइजन ताबाजुन को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, ताबाजुन तुम अपने भाई को बाहर बुला के लाओ, अपने भाई लांझन को बुलाओ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वेनिंग को सजा देने की। ताबाजुन कहता है, यंग मास्टर आप घर चलिए, हम वहीं पर बातें करेंगे। साइजन कहता है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम अपने भाई। इतना ही कहता है ताबाजुन साइजन को अपने कंधे में उठाकर ले जाने लगता है। साइजन स्ट्रगल करता है, नहीं तो मुझे नीचे उतारो, तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे तुम्हारे भाई से बात करना है। उसे हिम्मत कैसे हुई मेरे वेनिंग को मारने की, कहते हुए उसके पीठ को मारने लग जाता है। मगर ताबाजुन उसे नीचे नहीं उतारता, उसे साइजन अपने उसके कॉटेज में ले जाता है। मास्टर आप आ गए, मैं ना उसे खबर आए, हमें अभी वहाँ जाना पड़ेगा। वेनिंग अपने मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है, जो कि गुस्से से मुंह फुला कर खड़ा हुए थे। यहीं पर सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया ताबाजुन, मैं तुम्हारे साथ बाद में देख लूँगा, साइजन कहते हुए वेनिंग के साथ लेकर मेनहाउस की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद साइजन और वेनिंग प्राइम मिनिस्टर के घर तक पहुंच जाते हैं। साइजन अंदर जाते हुए अपने डैड को ग्रीट करता है, जहां पर उसके डैड कोर्ट के रिपोर्ट पर चेक करने में बिजी था। जान के डैड कहते हैं, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहां पर क्यों बुलाया। जान पोलाइटली सर झुकाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए फादर, मुझे पता नहीं आपने क्यों बुलाया है, मुझसे कोई गलती हो गई है। जान एक्चुअली अभी कोई पनिशमेंट लेना नहीं चाहता क्योंकि वो अपने लिटिल ब्रदर वेनिंग का रिवेंज लेना चाहता है। जिन गंगा कहता है, कल तुम्हारी बहन कॉन्सर्ट के लिए पैलेस जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, कंग्रेचुलेशन सीजे। साइजन कहता है, साइजन को पता है यहाँ पर उसे कोई प्यार नहीं करता, कोई उसे केयर नहीं करता। ठीक है मैं चाहता हूँ, तुम चाहो, यदि तुम चाहो तो यहाँ पर लौट के आ सकते हो। साइजन जिन गंगा साइजन की तरफ देखते हुए कहता है, जो हर वक्त नीचे की तरफ देख रहा था। नहीं फादर, मैं खुद के साथ उस कॉटेज में खुश हूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, जान कहते हुए वहाँ से चला जाता है और सोचता है, आपकी बेटी की शादी हो रही है, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप चाहते हैं मैं यहाँ पर लौट के आ जाऊँ ताकि आपकी प्यारी सी पत्नी मुझे जहर देकर मार दे, जैसे मेरी माँ को मार दिए थे। मैं नहीं आऊँगा यहाँ पर कभी भी।
योंगसी की माँ योंगसी को कहता है, योंगसी तुम कल पैलेस जा रहे हो, हमेशा याद रखना मैंने जो कहा है और जो सिखाया है। तुम हमेशा मैजेस्टी की दिल जीतने की कोशिश करना, जैसे तुम फ्यूचर में इम्प्रेस बन सको, और मेक श्योर ना तुम पहले औरत हो जो हायर बन सको। योंगसी की माँ योंगसी की बाल बनाते हुए कहता है, डोंट वरी माँ, मैं 100% श्योर हूँ, मैं हमारे मैजेस्टी जैसे ही मुझे देखेंगे, मेरी खूबसूरती को देखेंगे, मुझे अपना इम्प्रेस बनाएंगे। और माँ आपने मुझे जो भी सिखाया है मैंने सब कुछ याद रखा है, योंगसी कहती है और एक डेविल सी स्माइल देती है। साइजन ब्रदर, तुम हमेशा सेंटर में अट्रैक्शन पा लेते थे, अब तुम कहाँ गए? तुमने सोचा था किंग ने तुम्हें पास में बिठा दिया तो तुम्हारी लाइफ पूरा बदल गया, मगर नहीं, आज के बाद देखो क्या होता है। तुम अगली मॉन्स्टर दोबारा मेरे सामने कभी मत आना, इट्स जस्ट बिगिनिंग, योंगसी सोचकर मुस्कुराता है। अब हमें पैलेस दिखा जाता है जहाँ पर सारे गार्ड्स के बीच में फुसफुसा होता है कि ये ताबाजुन और लांजान और उस लेडी के बीच में क्या रिश्ता है, और ये लांजान कौन है? ताबाजुन तो हमारे मैजेस्टी का सोन ब्रदर है, फिर ये लांजान कौन है? वो तो हमेशा हमारे किंग के साथ ही रहता है। वो लेडी किसी रॉयल फैमिली से लग रहा था, वो यहाँ पर क्या कर रहा था, और ये हमारे महल में लांजान कौन है? सारे गार्ड्स कंफ्यूज थे और सब फुसफुसा रहे थे। जैसे ही ताबाजुन को देखते हैं सब चुपचाप हो जाते हैं, और ताबाजुन जाकर वांगी के पास खड़े होकर वो करता है। वांगी वो रिपोर्ट को चेक करते हुए कहता है, ताबाजुन तुमने झनझन को घर सेफली छोड़ के आ गए? कहता है, यस मैजेस्टी, और विस्पर करते हुए कहता है, आपकी प्रॉब्लम आप खुद सॉर्ट आउट कीजिए। उसकी हिम्मत नहीं होती वांगी बो की तरफ देखने की। वांगी बो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसे रख कर ताबाजुन तरफ देख कर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या हुआ है, कौन से ट्रबल क्रिएट हुआ है? मैजेस्टी आपका बिलेप्ड में एक लिटिल विलियन है, उन्होंने मेरे पेट में नाखून से पूरा स्क्रैच कर चुके हैं और पेट को मार मार के दर्द कर चुके हैं, मैं फिजिशियन के पास जा रहा हूँ। ताबाजुन जो धीरे से कहता है और जिसका फेस पूरी तरह रेड हो चुका होता है। वांगी वो जो जोर से मुस्कुराता है, जो बाहर खड़े कुछ मेड और कॉन्कोबाइन सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने किंग को इतने जोर से हंसते हुए मुस्कुराते हुए नहीं देख सुना था, बस सब सरप्राइज हो जाते हैं। मेरा बिलप सच्ची में ग्रेट है कि आज मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड उसकी हालत ऐसी करवा दी है कि आज वो मेरे सामने आकर कंप्लेन कर रहा है। ऐसा कहते हुए वांगी वो और ज़ोर से मुस्कुराने लगता है। ताबाजुन फोन हो जाता है और वो सोचता है, मैंने सोचा था आप मुझे छोटा सा कंसर्न करेंगे, मैं आपका सोन ब्रदर हूँ, मगर आप तो बस अपने बिलप का तारीफ ही किए जा रहे हैं, ताबाजुन सोचता है, और उसकी हिम्मत नहीं होती जोर से कहने की। अब हमें एक हफ्ते के बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साजन अपने घर में कुछ पेंटिंग बना रहा था। विनिंग दौड़ते हुए आकर कहता है, मास्टर मास्टर जल्दी चलिए, मेन हाउस चलिए, आपके फादर ने बुलाया है। साजन कहता है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? विनिंग कहता है, हाँ इट्स सो अर्जेंट मास्टर, जल्दी चलिए। वेनिंग साजन के हाथ खींचते हुए उसे मेन महल के तक ले जाता है। साजन जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर सभी नीलन होकर बैठे हुए हैं, और साजन की डैड साजन को नीचे पुश करते हुए उसे नीलन रहने के कहते हैं। साजन जब चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर रॉयल मिनिस्टर आए हुए हैं, तो वो सोचता है कि उसकी बहन एक हफ्ते पहले राजमहल गया था, शायद वो फ्यूचर इम्प्रेस बनने वाला है, इसलिए यहाँ पर सब आए। वो ये सब सोचते हुए बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बहन इम्प्रेस बनने वाली है। वो रॉयल मिनिस्टर जो अपने साथ जो पेपर लेकर आया था उसे पढ़ते हुए कहता है, ये हमारे किंग के तरफ से साजन के लिए, वो हमारे किंग साजन को अपना इम्प्रेस चूज़ किए हैं, वो कल आएंगे आप लोगों से मिलने, और एक महीने बाद उन दोनों की शादी है। साजन सोचता है, क्या मैंने अभी क्या सुना, मैंने अगले जन्म में क्या पाप किया था जो इस जन्म में सिर्फ इसे मेरे से टर्चर ही हो रहा है,
ये सब मैंने क्या सुन रहा हूँ? मेरे क्या कान बज रहे हैं? मैं ये सब सुन रहा हूँ? मैंने तो अगले हफ्ते गलती से बस लंजन से मिलने गया था, किंग से तो मिला भी नहीं। मैंने किंग से मिला, मैंने अपने माँ के एनिवर्सरी पर ही मिला था, वो भी मास्क पहना हुआ था। मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। मैं क्या इस जवानी में मरने वाला हूँ इस बूढ़े से शादी करवा के, वो एक हार्टलेस पर्सन से शादी करके? नहीं, मैं उसे शादी नहीं करूँगा। वो ऐसा बस सोचता ही रहता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती अपने डैड के सामने कुछ बोलने की। रॉयल मिनिस्टर शाहजहाँ का तो पेपर दबाकर उसे बो करता है, और शाहजहाँ ने रिटर्न में बो करता है। अंदर से गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे पता होता है कि एक न एक दिन उसे उस महल से धक्के मार के ही निकाल देंगे, मगर वो नहीं चाहता शादी करना। वो एक लड़के से शादी करना नहीं चाहता, खास करके उस किंग से। शाहजहाँ को लगता है कि वो लंजन से बस दोस्ती की तरह प्यार करता है, उस तरह नहीं जैसे एक लड़का और लड़की में प्यार होता है। वो बस उसे दोस्त की तरह मानता है। वो मैं एक स्ट्रेट मैन हूँ, मैं एक लड़के से क्यों शादी करूँ? मैं एक खूबसूरत लड़की से शादी करूँगा और अपने ही घर में रहूँगा हमेशा खुशी से, शाहजहाँ सोचता है, मगर कुछ नहीं कहता। वो वहाँ से चला जाता है। शाहजहाँ इमीडिएटली वहाँ मेन हाउस से चले जाना ही खुद को ठीक समझता है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ जो गुस्से से उसे आंखें उठाकर देख रही थी, जिससे एक ही पल में उसे मारी वहीं पर ही मार ही डाले। वेनिंग और शाहजहाँ जब दोनों अपने घर वापस आते हैं, तो शाहजहाँ आते ही कहता है, वेनिंग कुछ कपड़े और कुछ पैसे रख लो, हम यहाँ से चले जाएंगे। वेनिंग जो कपड़े पैकिंग कर रहा था करते हुए कहता है, मास्टर हम कहाँ जाएंगे और कहाँ कहाँ रहेंगे? शाहजहाँ कहता है, पता नहीं, मगर यहाँ रहेंगे तो ज़रूर मरे जाएंगे, या फिर किंग के हाथों या फिर माँ के हाथों, किसी के हाथों तो ज़रूर मारे जाएंगे। इससे अच्छा है हम यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, यहाँ से बहुत दूर, जहाँ पर हम दोनों सुकून से रह सकें। चलो निकल चलते हैं। शाहजहाँ कहता है, उस बूढ़े महाराज का दिमाग खराब है, वो सठिया गया है। वो उसके पास 1000 कंकुबाइन है, उन सब से किसी को इम्प्रेस नहीं बना सकता। मेरी बहन है वहाँ पर, उनको भी इम्प्रेस नहीं बना सकता। वो एक लड़के से शादी क्यों करना चाहता है? वो पागल हो गया है। वह नहीं, यहाँ से चले जाते हैं, नहीं तो वो किंग मुझे मार के अपना मेरा हार्ट खा लेगा। वो भी कंचा मांस। वेनिंग जब ये सब सुनता है पर डर जाता है। वो कहता है, किंग क्या ये सब खाता है? वेनिंग जो छोटा बच्चा था वो भी सोचता है कि शाहजहाँ कह रहा है मतलब वो किंग ही ऐसा इंसानों का मांस खाता होगा। वेनिंग ये सब कुछ सुनकर डर जाता है। शाहजहाँ और वेनिंग दोनों डिसाइड कर देते वो यहाँ से चले जाएंगे बहुत दूर। आज का एपिसोड हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अब कल देखेंगे इपो जहाँ से शादी करने के लिए क्या पैंतरा अपनाता है। आप लोगों को मेरा ये हिंदी एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।